खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जेल से जुड़ी है, लेकिन इसका असर बक्सर में देखा जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जेल में बंद संदीप यादव नाम का अपराधी बक्सर के कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी की मांग कर रहा है, जिसके बाद व्यवसायियों में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। यूपी के जेल में बंद अपराधी संदीप यादव द्वारा व्हाट्सएप कॉल के जरिए व्यवसायी से रंगदारी मांगे जाने के बाद उसके खिलाफ नगर थाने में पीड़ित ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना की जानकारी देते हुए बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एक मामला नगर थाने में प्रतिवेदित हुआ कि जो जेल में बंद कुख्यात अपराध कर्मी है, उनके द्वारा कुछ व्यवसायियों से रंगदारी के रूप में पैसे की मांग की जा रही है। कारण कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं, आने वाले मुखिया के चुनाव लड़ना है, साथ ही साथ उनका गृह निर्माण कार्य हो रहा है। इन दो कारणों से और गिरोह का संचालन करना है, कुछ इन कारणों से उनके द्वारा रंगदारी मांगने की बात प्रकाश में आई। आपको बताते चले कि यूपी के जेल में बैठे अपराधी द्वारा बक्सर के व्यवसायी से रंगदारी मांगे जाने की खबर के बाद पुलिस की परेशानी बढ़ गई, लिहाजा पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए न केवल एफआईआर दर्ज किया बल्कि तकनीकी आधार पर अनुसंधान करते हुए संदीप यादव के दो गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस ने हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। पूछताछ में पुलिस के समक्ष उन दोनों अपराधियों ने अपना गुनाह कबूल किया है और बताया है कि वह संदीप यादव के खास गुर्गे हैं और उसके इशारे पर काम करते हैं। पुलिस को इन दोनों के मोबाइल से संदीप यादव के साथ बातचीत करने के सबूत भी मिले हैं। इसी बीच मालूम हुआ कि चौसा बाजार में कुछ लड़के हैं जो संदीप यादव के खास गुर्गे हैं, जो इकट्ठा हुए हैं, कुछ घटना को अंजाम देंगे। इस सूचना को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर के द्वारा अपने मुफस्सिल थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी और जो हमारे डेडिकेटेड टीम के मेंबर हैं, उनको अवगत कराया गया, सत्यापन किया गया, वहां गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में दो लड़के की गिरफ्तारी हुई और उनका उस संबंध में शुरुआती दौर में वो बता रहे थे कि हम उनके खास आदमी हैं, लेकिन अभी हम लोग खास आदमी नहीं हैं, उनके लिए कोई हम लोग काम नहीं करते थे। लेकिन जब उनके जो मोबाइल नंबर जो प्रयोग कर रहे थे, उनका जब हम लोगों ने अनुसंधान किया, उस मोबाइल में देखे आउटगोइंग इनकमिंग किसका है, तो उसमें जो पिकुलियर नंबर से जो रंगदारी मांगी जा रही थी, उसी नंबर का जो है कि उसमें बार बार लगातार जो है व्हाट्सएप कॉलिंग था। दरअसल बताया जा रहा है कि शहर के कुछ सफेदपोश लोग जो जमीन की खरीद बिक्री के धंधे से जुड़े हैं, वह संदीप यादव को संरक्षण दे रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी ने बताया कि जमीन खरीद बिक्री के धंधे से जुड़े कुछ शहर के नामचीन लोगों का भी संदीप यादव के संपर्क में होने का मामला सामने आया है। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई करेगी। यानी कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं, जो भूमि जो समाज के दिशा और दशा भी देते हैं और समाज में अहम भूमिका भी निभाते हैं, वो जमीन के कारोबार से जुड़े हुए भी हैं, वो कहीं ना कहीं संदीप यादव से उनका संपर्क है। लेकिन इस संबंध में चूंकि व्हाट्सएप कॉलिंग हो रहा है, पिकुलियर नंबर से कॉलिंग हो रहा है, इस संबंध में हम लोग का अब तक कोई अभी साक्ष्य नहीं है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको आगाह कर रहे हैं कि अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी तो बहुत दिन तक जो है कि वो लोग भी जो है समाज में जिस तरीके से उठते बैठते हैं वो नहीं बैठेंगे, और उनके विरोध भी जो है ठोस कार्रवाई हम लोग करेंगे। कुछ लोगों पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों के पास साक्ष्य है, उस पर हम लोग अविलंब कार्रवाई एक सप्ताह के अंदर जो है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। दरअसल यह मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस इसे काफ़ी गंभीरता से ले रही है और मामले की गहराई से जांच के साथ कार्रवाई भी कर रही है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां यूपी के जेल में बंद अपराधी द्वारा बक्सर के व्यवसायी से रंगदारी मांगे जाने के बाद अन्य व्यवसायियों में हड़कंप का माहौल है, तो वहीं पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई किए जाने के बाद व्यवसायियों ने थोड़ी राहत की सांस भी जरूर ली है। बक्सर खबर के लिए चंद्रकेतु पांडे की रिपोर्ट।